मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक स्मार्ट वॉच का, जिसका नाम है DZ09। तो नॉर्मल सी स्मार्ट वॉच है ये, कैसे मिली, कैसे मैंने इसे ख़रीदा है और कैसे मेरे तक पहुँची है, कितने की है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर मुझे एक वॉच रिसीव हुई है, स्मार्ट वॉच जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो इस पर सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है DZ09 सिल्वर कलर में है। और यहाँ पे मैंने ये मंगवाई कहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ है MyOSPK। तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ से विज़िट करके यहाँ से ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकते हैं पाकिस्तान में और कहीं पर भी। तो मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहीं से मंगवाई है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर में इनकी जो है ऑफिस है, तो ये वहाँ से आई है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें मिलता क्या है। तो इस पे यहाँ पे लिखा होगा कि ये कितने की है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्हें मेंशन किया हुआ है। ये मुझे 1400 की पड़ी है। तो ये सिंपल सी एक वॉच है, इसका जो है डिज़ाइन इतना ख़ास नहीं है। तो इसे हम सबसे पहले ओपन करते हैं और बाद में बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है और कैसी वॉच है। तो इसके अंदर सिंपल एक बॉक्स है, और ये इनका जो है कार्ड है। पहले भी मैंने इन्हीं से चीज़ें मंगवाता रह गया हूँ और आपने मेरे YouTube चैनल पे देखा ही होगा। तो इस बार भी इन्हीं से मंगवाई हैं, यही सेम चीज़ हर पैकेट में आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हमारी मेन चीज़ है वॉच। तो यहाँ पे हमारे पास वॉच है और इसको ओपन कर लेते हैं। ये पहले से ओपन हुई हुई है मुझे लग रहा है। इसमें हमें एक वॉच मिलती है सबसे पहले, एक चार्जिंग केबल है, एक इसकी बैटरी है और इसका कैप है। उसके अलावा हमें बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे पास ये है वॉच, स्मार्ट वॉच है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम स्लॉट है, सॉरी मेमोरी कार्ड है, ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये सिम स्लॉट है। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद माइक है और एक बटन है ऑन ऑफ वाला। तो हम इसे ऑन करके देखते हैं। और इस साइड से हमें चार्जिंग केबल मिल जाती है इसकी, यहाँ से चार्जिंग पोर्ट है। इस बटन को हमने लॉन्ग प्रेस करना है और ये हमारे पास ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वॉच कुछ इस तरह से है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच में होती हैं। तो ये इतनी अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल सी है, मतलब सारी जो आपको 20-25 की रेंज में मिलेगी, 2500 की रेंज में, तो वो आपको ऐसे ही मिलेगी जावा में। तो ये एंड्रॉयड नहीं होती, इसमें आप गेमें चला सकते हैं लेकिन वो इतनी वो गेमें नहीं है, ना इसमें कोई ऐसे ख़ास बात है। बस ये आप एक लुक के तौर पर अच्छी लगती है। और इसके साथ मेरे पास पहले से ये मौजूद है एक GT08, और इसके अलावा मेरे पास A+ भी है, A1 जो है एप्पल का क्लोन, वो भी मैंने उसकी भी अनबॉक्सिंग की है। तो मैंने उन दो का भी रिव्यू किया हुआ है, उनमें से
बताया भी है कौन सी अच्छी है। ये इसकी लुक अच्छी नहीं है लेकिन काम सेम है सबका। तो यही थी आज की हमारी वीडियो कि अगर आपने लेनी हो स्मार्ट वॉच तो कहाँ से लेंगे, तो इसमें आपको मिलता क्या क्या है, कितने में मिलता है, ये सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।